हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लोकेशन और आप लोग देख रहे हैं सहेज सेन यूट्यूब चैनल। तो चलो यार, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से हाई क्वालिटी इमेज और वीडियो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इमेज व्हाट्सएप के थ्रू। क्या होता है, नॉर्मली हम व्हाट्सएप से इमेज ट्रांसफ़र तो करते हैं, लेकिन वो क्या कंप्रेस होकर एकदम कम MB में जाती है और वीडियो की कोई क्वालिटी नहीं रह जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से कैसे भेज सकते हैं इमेजेस। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो मैं अब अपने स्मार्टफोन से पहले नॉर्मल अपन इमेज भेजते हैं वो भेज के दिखा रहा हूँ। तो आप सेंड बटन पर क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरीके की ये पिक चली जाएगी अगले यूजर के पास। तो ये मेरा ये चली गई है। तो मैं अपना सेकेंड फ़ोन से इस फोटो को ओपन करता हूँ। तो इस फोटो को मैंने ओपन कर ली। तो मैं आप अपने गैलरी में दिखाऊंगा कि ये कितने रेजुलेशन की पिक है। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं ये 1280x863 इतने पिक्सल की फ़ोटो है। और मतलब 1 MB की भी फ़ोटो नहीं है, 100 MB से थोड़ी ऊपर की, 100 KB की थोड़ी सी ऊपर की ये फ़ोटो रह गई है। और इस इमेज की ओरिजिनल साइज़ 6 MB है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आप 6 MB की टोटल इमेज को कैसे भेज सकते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने पहले भेज रखी है, वो वाली फ़ोटो है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ओरिजिनल फ़ोटो कैसे भेज सकते हैं हाई क्वालिटी वाली। तो आप जैसे फ़ोटो भेजते हैं उस पर क्लिक कर लेना। आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप डॉक्यूमेंट से क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको लेफ्ट साइड में टॉप में 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना ऊपर और इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिंपली इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो आपके डिवाइस के सारे फोल्डर आ जाएंगे। आपको जैसे मेरी Adobe Lightroom नाम का फोल्डर है, इसमें ये इमेज है ओरिजिनल। तो आप इसमें देख सकते हो ये 6.44 MB की ये पिक है और इसका रेजुलेशन 6000x4000 है। तो सिंपली आपको एक क्लिक कर लेनी है और आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो अगले यूज़र के पास चली जाएगी और वो जब इसको डाउनलोड करेगा तो ये हाई क्वालिटी जैसे आपके फ़ोन में ओरिजिनल थी ना, वैसे अगली के पास चली जाएगी। तो ये मैंने अपने स्मार्टफोन से इसको डाउनलोड कर लिया है सेकेंड स्मार्टफोन पे, जिसको मैंने ये भेजी थी इमेज। ये डाउनलोड हो गया। मैं आपको अपनी गैलरी में दिखाऊंगा कि ये कैसे कितनी MB की है और कितने पिक्सल की डाउनलोड हो गई है। इसका रेजुलेशन भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये मेरी फ़ोटो डाउनलोड हो गई है। अब चलते हैं गैलरी में। आप देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो है, 6.14 MB। रेजुलेशन भी आप देख सकते हैं 6000x4000। तो चलिए आप चलते हैं गैलरी में। गैलरी में मैंने फ़ोटो ओपन कर ली है, आप देख सकते हो इसको। ये पुरानी वाली फ़ोटो है जो मैंने सेंड की थी। नॉर्मली हम सेंड करते हैं तो देख सकते हो अभी फ़ोटो में कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ और नहीं है। अब ये ओरिजिनल फ़ोटो है जो मैंने सेंड की थी 6 MB वाली। तो ये आप देख सकते हो आराम से 6.14 MB की 6000x4000 की आपको रेजुलेशन मिल जाता है। तो फ़ोटो जैसी थी आपके फ़ोन में वैसी ट्रांसफ़र हुई है अगले यूज़र के पास। तो ये काफ़ी अच्छी बात रह जाती है इस व्हाट्सएप फीचर की। कुछ लोगों को इस फीचर के बारे में पता नहीं है, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।